नमस्कार, मैं हूं नितेश गंगवार और आप देख रहे हैं मिशन 24x7 बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और उसके बाद दिखाएंगे जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शाहजहांपुर पहुंची। हनुमत धाम पहुंचकर बजरंगबली के किए दर्शन। विनोबा सेवा आश्रम में नंदिनी लोकमित्र और विनोबा प्रभाव सम्मेलन में हुई शामिल। तेलहर में लाखों रुपए की कीमत से बनाया गया सेल्फी पॉइंट, अपनी हालत पर बहा रहा आंसू। रखरखाव की लापरवाही की वजह से बदहाल स्थिति में पड़ा सेल्फी पॉइंट, नगरवासियों ने सेल्फी पॉइंट को सही कराए जाने की मांग की। गढ़िया रंगीन क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लगी आग। आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर हुआ राख। पीड़ित ने प्रशासन से लगाई मुआवजे की गुहार। और खुटार पुलिस ने भैंस चोरी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 4 सातिर चोरों को किया गिरफ्तार। 4 भैंस, 1 बेलेरो पिकअप और 3 मोटरसाइकिल हुई बरामद। ये थी हेडलाइंस। अब दिखाएंगे जिले की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाहजहांपुर पहुंची। यहां सबसे पहले उन्होंने हनुमत धाम में बजरंगबली के दर्शन किए। इसके बाद वह विनोबा सेवा आश्रम में नंदिनी लोकमित्र और विनोबा प्रभा सम्मेलन में शामिल हुई। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहां लगभग 5 घंटे तक रुकीं। विनोबा सेवा आश्रम में हुए कार्यक्रम में उन्होंने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं और समाज के अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले 9 लोगों को सम्मानित किया। आनंदीबेन पटेल ने एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और एक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि महिलाएं और बच्चे भीख मांग रहे हैं, बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। जिन योजनाओं के दम पर समाज का कल्याण सरकार के द्वारा होना चाहिए, वैसे काम आज निजी संस्थाएं अपने खर्चे पर कर रही हैं। तेलहर नगर में लाखों रुपए की कीमत से बनाया गया सेल्फी पॉइंट, अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। आपको बता दें कि नगर को सुंदर और नागरिकों के आकर्षण के लिए तेलहर नगर पालिका प्रशासन द्वारा लाखों रुपए की लागत से सद्भावना चौक के पास एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया था, लेकिन रखरखाव की लापरवाही की वजह से अब सेल्फी पॉइंट बदहाल स्थिति में पड़ा है। वहीं नगरवासियों ने सेल्फी पॉइंट को सही कराए जाने की मांग की है। समाजसेवी विनय अग्रवाल ने अपने परिवार के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना का स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल और वित्त मंत्री ने सफाई कर्मियों और बच्चों को सम्मानित किया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष केसी मिश्रा, महापौर अर्चना वर्मा, महानगर अध्यक्ष शिल्पी गुप्ता, सहकारी बैंक के अध्यक्ष DPS राठौर सहित तमाम लोग मौजूद रहे। थाना गड़िया रंगीन क्षेत्र में एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने से गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि गंगा प्रसाद के घर में अचानक आग लग गई, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। वहीं ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर का सामान जलकर राख हो गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के शाहजहांपुर आगमन पर विकास खंड भावलखेड़ा के विनोबा भावे सेवा आश्रम बरतारा में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राज्यपाल का स्वागत किया। प्रतिनिधि मंडल में जिला मीडिया प्रभारी राजकुमार तिवारी, जिला कोषाध्यक्ष रविंद्र पाल प्रजापति, उमाया अध्यक्ष अश्विनी अवस्थी, कौशल किशोर सक्सेना, परवेज आलम, मिथिलेश कुमार और सहीम खां सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शाहजहांपुर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर पाकिस्तान के द्वारा पोषित इस्लामी जिहाद का पुतला फूंका और जलते हुए पुतले पर जमकर जूता चप्पल चलाए। संगठन के प्रांतीय मंत्री का कहना है कि जम्मू कश्मीर के कटरा से शिवघोड़ी जाते वक्त आतंकवादी हमले में 10 तीर्थयात्रियों को निशाना बनाया गया, जिसको लेकर पूरे देश में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पाकिस्तान के द्वारा पोषित इस्लामी जिहाद का पुतला दहन किया गया।
खुटार पुलिस ने भैंस चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यासीन, मोहसिन, दीन मोहम्मद और भूरा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से 4 भैंस, 1 बेलेरो पिकअप और 3 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। गिरफ्तार किए गए सभी अभियुक्त जनपद पीलीभीत के पूरनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। सिरामो दक्षिणी में आज विशाल भंडारे और शरबत वितरण का आयोजन किया गया। यह आयोजन जय बाबा कालनेश सेवा समिति द्वारा कराया गया था। इस दौरान नरमू नेता नरेंद्र त्यागी और थाना सिरामो दक्षिणी के प्रभारी रोहित कुमार ने हवन पूजन के साथ लोगों को शरबत पिलाया।